अभी तो मेरे हाल में अंदर नहीं गया है ना। जो शहाब भाई ने कढ़ाई बनाई है ना वो मेरे हाथ में आ गई। वाह, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलमान और आज आया हूँ सवाबी के एक गांव बोको में और यहाँ पे हम शहाब भाई के मेहमान हैं। पीछे शहाब भाई हैं, सिकंदर भाई हैं, उनके हम मेहमान हैं। तो यहाँ पे देसी मुर्गी की कढ़ाई बन रही है, वो हमें खिलाएंगे देसी मुर्गी की कढ़ाई। तो ये पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं वहाँ पे कढ़ाई बन रही है, तो देखते हैं कि कैसे बनती है, आपको भी दिखाते हैं, वीडियो में साथ रहें। आज हम शहाब भाई के मेहमान हैं और शहाब भाई आज हमें खिलाएंगे देसी मुर्गी, और देसी मुर्गी वो खुद पका के हमें खिलाएंगे। तो शहाब भाई कुछ बताएं कितनी देर में पकेगा ये? अभी इंशाल्लाह इसमें 25 मिनट बाकी है। अच्छा, और अभी हम इसको सबसे पहले हमने बॉईल किया, अभी ऑयल फ्राई हो रहा है इंशाल्लाह, अभी तो इंशाल्लाह 20-25 मिनट में इंशाल्लाह तैयार हो गए। इसमें और क्या क्या डलेगा? इसमें और कुछ भी नहीं डलेगा, बस सिर्फ ये चरसी कढ़ाई है जो पेशावर की सबसे मशहूर कढ़ाई है। अच्छा। इसमें सिर्फ नमक और ग्रीन चिली। अच्छा जी, तो शहाब भाई और क्या क्या बना सकते हैं आप? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पेशावरी डिशेज़ हैं ना जो पाकिस्तानी और ख़ासकर पेशावर के, नमकीन, काबली पुलाव, बीफ, इस तरह जो भी हो बना सकता हूँ। अच्छा, जब टमाटर डल जाए तो इसके बाद क्या प्रोसेस होगा इसका? जब ये बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो जाए तो ये तैयार है। इसमें नमक भी पहले डाला हुआ है। ख़त्म का क्या मतलब? जब ये ख़त्म यानी गल जाए, गल जाए। अच्छा। पूरी तरह गल जाए। अच्छा शहाब भाई, अपने इलाके के बारे में बताएं, ये कौन सा इलाका है? ये तो एक छोटा सा गाँव है ज़िले सवाबी का। अच्छा, और इस गाँव का नाम बोका है और इसमें तकरीबन 300-400 लगभग के घर होंगे, इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, और ये वादी कंडों के सबसे खूबसूरत तरीन इलाका है। अच्छा जी, तो ये कितने फासले पे है सवाबी सिटी से? ये सवाबी से 9 किलोमीटर के फासले पे है। अच्छा शहाब भाई, आपके गांव में और क्या सौगात हैं, क्या क्या? सबसे मशहूर सौगात जो है ना, तो अभी सीज़न भी है तो माल्टे का सीज़न है अभी, और सबसे मशहूर भी माल्टा है। अच्छा, तो शहाब भाई के साथ जा रहे हैं, शहाब भाई से माल्टों के बारे में बात की तो शहाब भाई कह रहे हैं कि चल के दिखाता हूँ आपको माल्टे। बिल्कुल, तो अभी यहाँ पे आए हैं, ये माल्टे लगे हुए हैं। अभी सीज़न शुरू है माल्टों का और ये फरवरी तक जारी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे बेस्ट माल्टा जो होता है ना वो फरवरी में होता है। तो अभी ये जो माल्टे लगे हुए हैं तो ये पके हैं कि नहीं पके? बस अभी स्टार्ट हो रहे हैं पके। अच्छा, हाँ, इसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म के हैं। तो इसका कैसे अंदाज़ा होता है कि ये पक गया हुआ? अभी ये येलो हो गया ना। अच्छा, जिस पर इस पर ये शबनम पड़ता है ना, शबनम सुबह सवेरे या रात को जिस पर पड़ता है तो ये फरखा पख्तों के चोरता भाई, पख्तों के बदरता हुआ वहाँ देवानी पश्तों में बोल कल देवानी फरखा सूर फिरूजी दादन ने दस रखी। जी शाह भाई, कितनी देर है अब? अब इंशाल्लाह 15 मिनट या 10 मिनट इंशाल्लाह बाकी। जी, तो शहाब भाई बड़े प्यार से हमारे लिए कढ़ाई बना रहे हैं, वो भी देसी मुर्गी का। तो हमें भी शिद्दत से इंतज़ार है कि शहाब भाई के हाथ की कढ़ाई कब खाएंगे। जी, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बड़े अरसे से हम कभी स्ट्रीट फूड जाते हैं, कभी एक रेस्टोरेंट, कभी दूसरे रेस्टोरेंट, तो इस दफ़ा हमने ये फैसला किया कि चलो गाँव जाते हैं और शहाब भाई के मेहमान बनते हैं और आज शहाब भाई के हाथ के खाते हैं बिल्कुल देसी माहौल में और देसी मुर्गी। ये अभी शहाब भाई टमाटर को गायब कर रहे हैं इसमें। तो शहाब भाई का दावा है कि जिस तरह चरसी टिक्का बनाते हैं पेशावर में, हमने आपको दिखाया था, तो कह रहे हैं जैसे वहाँ पे पकता है ना बिल्कुल वैसे ही आपको बना के खिलाऊंगा। तो लेट्स सी कैसे बनता है और टेस्ट कैसे आता है।
अच्छा जी, दस्तरखान रेडी हो चुका है जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो नईम भाई भी आ चुके हैं और बाकी भाई भी आसपास बैठे हैं, राशिद भाई भी बैठे हैं, सिकंदर भाई भी बैठे हैं, सुहेल भाई भी बैठे हैं, असद भाई भी बैठे हैं। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह, और आज का जो रिव्यू है वो हम राशिद से लेंगे, राशिद से शुरू करवाते हैं। तो राशिद भाई पहले ये चिकन कढ़ाई चेक करें और बताएं। तो खाया नहीं है तो खाए ना, मैं वही कह रहा हूं कि इसके बाद में आपको रिव्यू दूंगा कि कैसे या अच्छा है या बुरा है, तो इसके बाद में दूंगा। तो पहले आप हमारे मेहमान है, आप पहले खाए ना, तो हम बाद में खाएंगे। नहीं, हमारा जो है ना पहले बाइट पे टेस्ट होता है, तो वो आपने शुरू करने हैं। ओके ओके। वाह राशिद भाई, अभी तो मेरे हाल में अंदर नहीं गया है ना। तो बहुत अच्छा, बहुत मजे का है। शाब ने इसको बनाए, तो शाब के हाथों में, वैसे भी ये मर्द के हाथों में बहुत अच्छा, मतलब वो मजा होता है, तो शाब के हाथों में भी बहुत ज्यादा मजा है। तो शाब बहुत खुश रहो, आबाद रहो, और इस तरह हमारे लिए पकाया करो कभी कभी। जी तो ये देखें, जो शहाब भाई ने कढ़ाई बनाई है ना, वो मेरे हाथ में आ चुकी है। तो इसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट ये देखें, तंदूर की रोटी के साथ। तो जिस तरह शहाब भाई ने कहा था कि चरसी कढ़ाई है, तो वाकई चरसी कढ़ाई बनाई है शहाब भाई ने, बहुत ज़बरदस्त। हाँ थोड़ी सी मिर्ची पंजाब वाली हो गई है बीच में, लेकिन बाकी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। एक चीज़ नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।